नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल, ऑटो लोन एक्सपर्ट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक जानकारी लेके आया हूं पेंशन लोन के ऊपर। स्टेट बैंक में पेंशन लोन के ऊपर क्या स्कीम चल रही है, पेंशन लोन का प्लान कर रहे हैं जो भी व्यक्ति, जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो पेंशन का प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ नॉमिनल्स जानकारी मैं लेके आया हूँ, जिससे कि आपको अपडेट रहे। आज तारीख है 4 मई 2024। ये 2024 में मई महीने का वीडियो है। इसमें आप, इसीलिए मैं तारीख बताता हूँ जिससे कि आप लोगों को ये ध्यान रहे कि जब ये वीडियो बनाई जा रही है, जबकि ये डिटेल्स हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट अक्सर चेंज हो जाते हैं। इसीलिए तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी SBI पेंशन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 11.30। ये अभी पेंशन के ऊपर ब्याज दर चल रहा है 11.30 का। अब दोस्तों, इसके अंदर कुछ अलग स्कीम्स हैं। एक स्कीम है नॉर्मल पेंशन, जो कि एक पेंशनर व्यक्ति को दिया जाता है। दूसरा, जय जवान, जो भी जवान है, आर्मी या डिफेंस से रिटायर्ड है, उन लोगों के लिए रहता है। दोनों में ही ज़्यादा अंतर नहीं है। तो पहले तो मैं आपको नॉर्मल पेंशन में बता देता हूँ क्या रहेगा। इसमें जो है मैक्सिमम जो पेंशन लोन मिलेगा वो 6 साल के लिए मिलेगा, और आप 1 साल से लेकर 6 साल तक के लिए पेंशन लोन ले सकते हैं। एज जो है 76, एज जो है एंट्री एज है, और 78 एज तक लोन बंद हो जाना चाहिए। इसका मतलब अगर आपकी 76 साल उम्र है तो आप 2 साल के लिए और पेंशन लोन ले सकते हैं, और उससे कम है तो मैक्सिमम 6 साल के लिए आप लोग लोन ले सकते हैं। लोन मिलेगा कितना दोस्तों? अगर आपकी मिनिमम जो पेंशन है वो 25,000 है, अगर आपकी 25,000 रुपये पेंशन आती है तो आप 18 गुना तक पेंशन लोन ले सकते हैं अपनी नेट पेंशन का। अब जो लोग हमारे डिफेंस में हैं, उसकी उस योजना को हमारे यहाँ बोलते हैं जय जवान पेंशन योजना। इसके अंदर ये है कि अगर आपकी एज 54 से कम है, 54 साल से आप कम के हैं, तो आप अपनी नेट पेंशन का 36 गुना तक ले सकते हैं। लोन जो है आपको 6 साल के लिए मिलेगा, 36 गुना तक मिल जाएगा। इसके अलावा EMI NMI रेशो, मतलब इस बात का ध्यान रखिएगा कि EMI NMI जो रेशो रहता है, मतलब जो नेट पेंशन आ रही है उसका 50% तक EMI बैंक देती है, चाहे वो 18 गुना ले लो आप, चाहे वो 50% ले लो। फैमिली पेंशन जिनको आती है उसमें 33% तक EMI NMI रेशो बन जाता है, मतलब आप अपनी नेट पेंशन का 33% तक आप अपना लोन ले सकते हैं। इसके अलावा फैमिली पेंशन में जो है गारंटर मस्ट है, आपको गारंटर लगेगा, कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है उसकी एक गारंटी लगेगी इसके अंदर। और चौथा पॉइंट है जो BSNL और MPP में है, जो कि MPPV में है, उन लोगों के लिए स्टेट बैंक यहाँ पे लोन नहीं देता है। इसके अलावा आप प्री अप्रूव्ड लोन भी देख सकते हैं पेंशन का, अगर आप योनो चलाते हैं, SBI में पेंशन लेते हैं तो प्री अप्रूव्ड लोन भी आता है पेंशन में। योनो पे दिखाई देगा आपको, वहाँ पे आपको विजिट ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको घर बैठे ही आपके योनो पे आपको जो है पेंशन लोन मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, और कोई गारंटी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। जो लोग पेंशनर हैं, आपको पेंशन स्लिप देनी है अपनी, PPO लेटर देना है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, 3 फोटो, और चेक वगैरह यहाँ पे लगेंगे नहीं, यही बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। यही एक छोटी सी जानकारी थी। अगर आप लोग पेंशन लोन का प्लान कर रहे हैं तो आप अपनी नज़दीकी शाखा में जाके पेंशन लोन ले सकते हैं, इजीली आपको मिल जाएगा। बस डिपेंड करता है कि आप पेंशन लोन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आए। अगर दोस्तों आपको ऐसे ही लोन से संबंधित जानकारियां चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर आपको हर महीने की लेटेस्ट वीडियोस एंड जानकारियाँ मिलती रहेंगी। थैंक यू।